रह चुके बहुत हम घर में सिमट कर, चलो आज घर से कहीं दूर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए केवल एक शब्द और मेरे लिए एलेक्सर ऑफ लाइफ। इसी तारतम्य में फरवरी 2021 में मैं मनाली गया था। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। मुंबई से हमारी फ़्लाइट शाम के 8:30 बजे की थी, बट बिकॉज ऑफ बैड वेदर वो डिले हो गई और हमें चंडीगढ़ पहुंचने में 11:30 बज गए। अभी रात के 11:30 बजे टैक्सीज बहुत ज़्यादा तो अवेलेबल नहीं थी, बट यस टैक्सी मिली और उनने हमसे 600 रुपीज़ लिए। ये होटल जो मैंने लिया है ये जीरकपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ चंडीगढ़ में है और अभी रात के 12:30 हो रहे हैं। हमने होटल में चेक इन कर लिया है और अब हम कल मनाली की तरफ अग्रसर होंगे और प्लान ये है कि तकरीबन 9 बजे के आसपास तो हम होटल से निकल ही जाएं ताकि बीच में जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो हम उसको कवर करें और टाइम से मनाली पहुँच जाएँ। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम आ चुके हैं सुंदरनगर लेक में। ये मंडी से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी जस्ट हम खाना खाकर बिलासपुर से चले हैं, तकरीबन 20 मिनट के बाद ये लेक मिली है। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन मंडी है। देखिए कब तक हम मनाली पहुंच पाएंगे। मंडी से तकरीबन हम 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और इसी रोड पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो हमें कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे ब्यास रिवर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हाय गाइस, तो हम कुल्लू के पास पहुँच चुके हैं और अभी एक छोटा ब्रेक लिया है चाय का और तकरीबन यहाँ से अभी 1.5 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है। टाइम अभी हो रहा है 7:15 बजे और ठंड बढ़ गई है। सो वी आर एट मॉल रोड और रात के 9:30 बज रहे हैं और रिनी इज डूइंग सम शॉपिंग। हाय हाय। 10 घंटे की रोड जर्नी करने के बाद हम मनाली पहुंचे। चंडीगढ़ से मंडी तक की रोड बहुत शार्प टर्न्स वाली है और इसलिए मोशन सिकनेस की मेडिसिन जरूर रखें। मंडी के बाद रोड्स उतनी कर्वी नहीं है। आपके सामने का दृश्य मॉल रोड मनाली का है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर और हाँ, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब।